अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो आज हम दोबारा आ गए हैं GTA 5 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई अभी चलते हैं शोरूम की तरफ। अभी यार सुबह का टाइम हो रहा है तकरीबन। हाँ यार, शोरूम में इतना काम तो नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ तकरीबन सारी जो थी वो तो निकल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शोरूम का काम भी अब थोड़ा अच्छा जा रहा है। ये एक रेवो भी आई हुई थी, ये मैंने ज़रा अपने लिए थोड़ी देर के लिए रख लिया क्योंकि जो सिविक थी वो भी चली गई है। अब भैया ऐसा ही काम हो रहा है कि कभी कोई गाड़ी रखनी है कभी कोई, क्योंकि अपने पास तो अभी है नहीं। ये भी यार अच्छी गाड़ी है, रम आते हैं इसमें, मॉडिफाइड भी थोड़ी हुई है। जी आर है वो, जी आर भरम है यार इसके भी। अभी यार शोरूम चलते हैं, आज शोरूम की रेनोवेशन का भी कोई काम करना है, देखना है कि शोरूम में क्या आप करवाते हैं यार। दिल है एक और स्टोरी बनवा लूँ उधर शोरूम के ऊपर, क्योंकि यार काम अब थोड़ा अच्छा ऊपर गया, अब रेपुटेशन वापस आ रही है शोरूम की, अब कोई भंड ना हो जाए बस। चलो भाई, अबे अबे भाई कट जाना भाई, हट जा मनुष्य। एक तो इनको चलानी आती नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चलो भाई हम अपने शोरूम की तरफ से पहुँच गए। रेवो के सही भरम आ रही है, मेरा दिख रहा है मैं खुद ही रख लूँगी यहाँ के निकाल कर, क्योंकि अभी भैया से ही काम हो रहा है अपना। सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेते हैं और वो बेच देते हैं। अभी भाई थोड़े पैसे बना लें फिर न्यू शिपमेंट भी मंगवाएंगे ना, ऐसा ही काम होता है भाई शोरूम का। ये चेजर किंग के लिए रखी हुई है, ये नहीं निकाली मैंने, मैंने कहा किंग ने बाय करनी होगी। चलो भाई दिल है यार, जी रख लूँ मेरा तो इस पे दिल आ गया कुछ टाइम के लिए, बाकी देखते हैं। ये चेजर किंग के लिए रखी हुई है आपके भाई ने, वैसे यार ये भी अच्छी मॉडिफाइड हुई हुई है। चलो यार अपना चलते हैं शोरूम ऑफिस की तरफ अपने, थोड़ा यार काम करना। मैनेजर भी यार रखना है शोरूम के लिए, सारे वो जो पुराने वर्कर थे भाग गए साले में उसके बच्चे। चलो यार अभी देखते हैं किमें है, यहीं से जाना ना। हाँ वही साले मनुष्य उसके बच्चे यहीं से जाना है। अरे तमीज से बात करना बाप तेरा। अरे माइकल भाई का फोन आया था कि किसी वर्कर को भी उठाने आर्किट। अबे अबे साला मनुष्य साला कुत्ता। अबे साले कुत्ते ये क्या है? अबे पेट साले को छोड़ूंगा नहीं, भाग के साला निकल गया। अबे भाई तू देख के चला लेना, चलानी तुझे आती नहीं भाई। अबे अबे चुप, अबे चुप करके बे मोटू। हाँ अबे भाई कल देखा था ना तूने, जैसे तेरे बाप ने चलाया था वैसे चलाना, चलानी तुझे आती नहीं। अबे चुप कर भाई, तेरे से ज्यादा हो जाती है, भांड हो जाते हैं कभी कभी, इंसान हूँ मैं भी। अबे भांड नहीं, हर बार तेरे से भांड हो जाते हैं, चलानी तुझे आती नहीं। हमें चौड़ा हो रहा होता तेरे से अच्छी तो मैं चला लेता, मैंने तो कभी इतनी चलाई भी नहीं। अबे जावे अबे 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 भाई अंधा हो गया तू, अरे अंधे की बात नहीं है। अबे और क्या, चलाना तुझे आता नहीं, ठोकी जा रहा है जगह। हाँ अबे जा वे मोटे। अबे ये अबे 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 मैं अबे अबे यार लाखी यार रात में। अबे ये साला मैंने उसका बच्चा डर के भाग गया। अबे भाई देख के चला ले, मुझे दे दे मैं चला लेता। अबे जा वे मैं चलाऊंगा। अबे भाई इतनी सख्त लगी है यार पाँव पे मैंने उसके बच्चे, फिर तूने मुझे गिरा दिया साला कुत्ता। अबे भाई को देख रहे ना, तो मेरे ऊपर बात बात पे गुस्सा कर ही जा रहा है। अबे अब मैं तुझे क्या बोलूं, अबे 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 भाई मरवाएगा तू मुझे आज। अबे 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 लाला कुत्ता भी रोजा ना ना होता तुझे इतनी गालियां देता ना। अबे जा अबे हे अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा क्या कर रहे हो, तुम गिरा दिया तुमने इतने प्यारे बच्चे को। अबे भाई क्या हो रहा है, अबे
भाई शर्म करो, अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। ओ भाई तुम कौन बताओ क्या है? भाई सामने यार वो जो पेडीएम शोरूम है यार, वो सही करवाना है, मतलब उसकी रेनोवेशन करवानी है। आ जाओ तुम। ओ भाई रुको तो सही। हाँ भाई आ जाओ ना उधर, माइकल भाई से बात कर लेना, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जी भाई बैठ गया। बस तुम्हारे तो मजे आ गए। बैठ गया हूँ यार, अरे थोड़ी जोर से ब्रेक मारना पुत्र। अबे भाई इंसान के बच्चे बनो साले। अबे अबे ये क्या चुभ रहा है यार मुझे? मैं उसके बच्चे इंसान बन, रोजे का तो कुछ ख्याल कर ले। ओहो सॉरी सॉरी बेटो, ओ सॉरी। अबे भाई इंसान के बच्चे बन जाए तो इसके बाप को नहीं जानता, तेरे अंदर घुस गया ना। अबे भाई सॉरी यार, गुस्सा ही करके यार तुम। अबे भाई इंसान बन जा, अबे उतर जा जमी साला लौंडे बाज। अबे भाई लूडे बात नहीं हूँ यार मैं। भाई अपनी उम्र देख और हरकते देख। हाँ जिमी, अबे जिमी की मान ले। अबे माइकल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किंग, आ गया जो तुम्हें मैंने कहा था आर्किटेक्ट। जी माइकल भाई आ जाए मेरे पीछे पीछे। आ रहा हूँ किंग, आ रहा हूँ। अबे भाई मैंने उतर जाना। माइकल भाई ये बात कर लो इससे आप, खुद ही है साला बड़ा मनोज है। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं पता सर, आ जाएं आप मेरे पीछे पीछे। जी सर आपका नाम बता दें आप मुझे। जी सर मेरा नाम है वसीम, यो है मीखो वसीम व्हाट द बदामी। फक्स नहीं गुड। सॉरी जी, आ जाएं आपका शोरूम का दौरा करा दो एक दफ़ा भी। ऊपर सर जी पार्टीशन बनानी है, वो 1 मिनट में आयो। अब जी सर आ जाएं आप पीछे पीछे मेरे। जी सर आ रहा हूँ। ये रास्ता ब्लॉक करना है सर जी पूरा। और छो बुराए में आप आ, और सर जी ऊपर पार्टीशन भी बनानी है आप कह रही हैं? हाँ, ऊपर पार्टीशन भी बनानी है, पर मतलब स्टोरी बनानी है। क्या बोल रहे हो यार तुम, पागल हो गए कैसे आर्किटेक्ट हो तुम? जी सर सॉरी वैसे। ये देख लो पूरा एक दफ़ा, पूरा तुम्हें दिखा रहा हूँ उसका चारों तरफ से एक दफ़ा दिखाया तुम्हें। और अब जितना जल्दी हो सके ना यार काम कर लो, क्योंकि ज़रूरत बहुत है। जी सर आप टेंशन ना ले, मैं अभी घंटे तक वर्कर ले आता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ दो वर्कर ही हैं उधर। चलो तुम दो दो ही ले आओ। नहीं सर जी अभी और आ जाए, फिर आधे घंटे तक आ जाते हैं, इस तरह काम ज़रा ऐसे सही नहीं होता। चलो ठीक है यार, तुम फिर ले आना आधे घंटे तक या घंटे तक, और जितना जल्दी हो सके काम कर ले। जी सर आप टेंशन ना ले, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी, हाँ और अच्छे से अच्छा काम हो। जी सर आप टेंशन ही ना ले। आओ यार तुम्हें मैं वापस भी छोड़ रहा हूँ। जी सर बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, किंग चाबी लगी। जी माइकल भाई लगी हुई है। हाँ भाई जी में ऐसी बात है। अबे अबे ये बच्चे, अबे अबे लग गया यार। आराम से चलाए ना सर, सीधा सीधा सीधे। अबे सर सीधे हाथ पे। ओहो सॉरी यार, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। हाँ जी सर को नहीं होता रहता ये, इधर उल्टे हाथ पे ले ले। क्या ले लूँ मतलब, मोटरसाइकिल है? कुछ नहीं सर जी। हाँ सर जी बस इधर इधर ही उतार दे। शुक्रिया सर जी बहुत बहुत आपको। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बाकी तुम काम पे आ जाना जितनी जल्दी हो सके और रेनोवेशन स्टार्ट कर देना। जी सर आप टेंशन ही ना लो। चलो भाई जान हम चलते हैं अब अपने शोरूम वापस, काम तो आज इतना वैसे है नहीं, क्योंकि अब शोरूम भी मैंने क्लोज कर दिया। कोई गाड़ी नहीं आनी ना जानी, क्योंकि अब रेनोवेशन होगी फिर दोबारा ओपनिंग करेंगे शोरूम की। यहीं लगा देता हूँ इसको, मैंने किंग को इतनी दफ़ा समझाया ये नॉट फॉर सेल था तो इसको बाहर ही रखा करो, फिर भी इसको समझ नहीं आती। अबे ये माइकल भाई क्या बना? वो किंग कह रहा है कि
एक मिनट यार, मैं ये गाड़ी सीधी करके लगा लूँ। लेवल शेरा गाड़ी का यार, इसका लेवल है। चलो यार थोड़ी लगा देता रिवर्स कर, क्योंकि अब ये गाड़ी बेचनी तो है नहीं। ये माइकल भाई क्या बना गाड़ी? किंग ये देख लो, इंजन भी अच्छे। हाँ जी माइकल भाई, मैंने देखा था। चलो मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, फिर जब इरादा बना लेने का बता देना। माइकल भाई इरादा तो है, आप प्राइस बता दें। यार वो मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है माइकल भाई। चलो यार इसकी पुलिस लाइट बंद करो और गाड़ी बंद कर दे। ठीक है यार, फिर शोरूम वो कह रहे हैं मैं घंटे तक ले आता हूँ वर्कर, फिर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है माइकल भाई, ओके हो गया। हाँ और अगर कोई गाड़ी आए तो उसको भगा देना, क्योंकि अभी मतलब ऐसे ना भगा देना उसको, थोड़े आराम से कहना। ठीक है माइकल भाई, टेंशन ही ना लें आप। हाँ क्योंकि अब शोरूम तकरीबन क्लोज हो गया, अब जब रेनोवेशन पूरी हो जाएगी तब भी खुलेगा। जी ठीक है पापा जी, आप ना टेंशन लें। हाँ ठीक है। जी माइकल भाई, गुड हो गया।